Great, my friends. Welcome, everyone. Sorry for keeping you waiting. Great, my friends. तो आज एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस हो गया है. क्या है सर कोइंसिडेंस? द कोइंसिडेंस इज दैट आई एम डूइंग द सेकेंड पार्ट ऑफ इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस ऑन द ह्यूज इवेंटफुल डे ऑफ 26 जुलाई. आज है कारगिल विजय दिवस एंड कोइंसिडेंटली वी आर डूइंग दिस. सो इट इज अ ह्यूज ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू नॉट ओनली अंडरस्टैंड क्या हुआ बट ऑल्सो टू give our silent thanks, इससे ज़्यादा हम कुछ कर भी नहीं सकते, to the sacrifices of our soldiers and our officers who have ensured कि हम लोग आज़ाद रहेंगे. So please say a loud Jai Hind so that everybody can hear and then we will start studying of this part. तो इस आज के क्लास में ये part 2 है of India-Pakistan relations, right? We still have one more part, part 3 अभी भी बाकी है. But today we are going to do two important events. The last time तो हमने 1965 तक कर लिया था. Now we are going to do 1971 war and the Kargil war. Are we good to go? Are we ready? Everyone. Friends, are we ready? All right, friends. तो I am disabling the chat. Okay. इस class के दूसरे side पर मुलाकात करते हैं. And I hope everything should be clear. Okay. All right, let's go for it. Okay, if you are ready, give me a thumbs up and then we start this. All right. Please don't ask any questions. Concentrate on the topic at hand and it is very, very important. So, pehla hum karenge, that is 1971 war. This is the independence of Bangladesh as well as 1971 war. Tumne aaj tak 1971 war ke baare mein jo kuch bhi padha hoga, वो काफी कुछ स्केची होगा. ओके, सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स यू विल अंडरस्टैंड 1971 वॉर इन अ कंप्लीटली डिफरेंट लाइट एंड यू विल बी अमंगस्ट द फ्यू स्टूडेंट्स फ्यू एस्पिरेंट्स एंड फ्यू इंडियंस जिनको एक्चुअली इतना डिटेल में 1971 वॉर मालूम होगा. सो पे अटेंशन एंड अंडरस्टैंड दिस. पहले हमें पता पड़ना पड़ेगा द बैकग्राउंड ऑफ द वॉर कि सर 1971 वॉर हुआ ही क्यों. व्हाई वॉज 1971 वॉर सच एन एसेंशियल और इसका बैकग्राउंड क्या था. बेटा थोड़ा बहुत तुम लोग को और हिस्ट्री में जाना पड़ेगा एंड दैट वाज द पार्टीशन ऑफ इंडिया. द पार्टीशन ऑफ इंडिया जब हुआ था तो पार्टीशन ऑफ इंडिया में इंडिया एंड पाकिस्तान नहीं बना था. यस सर, इंडिया से पाकिस्तान सेपरेट हुआ था. इंडिया हमेशा से था. यस यस यस, यही लोग थोड़ा सा वोकैबुलरी में गड़बड़ कर देते हैं. इंडिया तो पहले से ही था, पाकिस्तान बना था. राइट, सो पाकिस्तान बिकेम पाकिस्तान बिकॉज ऑफ द मुस्लिम डोमिनेटेड regions ऑफ सिंध, नॉर्थ वेस्ट frontier प्रोविंस, वेस्ट पंजाब, ईस्ट बंगाल, नॉर्थ वेस्ट frontier प्रोविंस एंड ब्रिटिश बलूचिस्तान. सो इसमें क्या हुआ, प्रॉब्लम यह थी कि जो मुस्लिम डोमिनेटेड regions थे वो दो अलग अलग एरियाज में डिवाइडेड थे. वन वॉज वेस्ट पाकिस्तान एंड द अदर साइड वॉज ईस्ट बंगाल या फिर ईस्ट पाकिस्तान बना. मोहम्मद अली जिन्ना वॉज वेरी वेरी प्राउड ऑफ दिस मोमेंट. इसको वो टू नेशन थ्योरी बोलते थे कि ये पहली ऐसी कंट्री है जिसमें दो अलग अलग पार्ट्स बनाकर एक ही कंट्री बना रहे. इसको टू नेशन थ्योरी एंड पाकिस्तान वाज वेरी वेरी प्राउड ऑफ इट. बट पाकिस्तान पाकिस्तान है, मतलब पाकिस्तान इज अ वेरी परेशान कंट्री. ओके, वहां के वेस्ट पाकिस्तान वाले सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में जीने लग गए. ओके, और वो लोग ईस्ट पाकिस्तान यानी कि द बंगाली मुस्लिम पॉपुलेशन को बड़ी हीन भावना से देखने लग गए. एंड दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ द वॉर. सर ये कैसे बैकग्राउंड ऑफ द वॉर? बेटा ऐसा होता है कभी कभी. पाकिस्तान एज आई सेड इज अ ट्रबल्ड स्टेट, राइट? तो हुआ क्या, 1970-71 में पाकिस्तान में एक सिविल वॉर हो गया. नाउ ईस्टर्न पार्ट, जहां का ईस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान था जो टू नेशन थ्योरी के हिसाब से जिन्ना वॉज वेरी प्राउड ऑफ, लेकिन द वेस्ट पाकिस्तानीज को ये सब अच्छे नहीं लगते थे. सो 1970 में शेख मुजीबुर रहमान की लीडरशिप में अवामी लीग वहां पर इलेक्शन जीत गई और बड़ा जबरदस्त इलेक्शन जीती. लेकिन जनरल याहिया खान, okay, जनरल याहिया खान जो कि तब तक पाकिस्तान को लीड करने लग गया था, जनरल याहिया खान ने वहां पर एक्चुअली मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया एंड उसने मुजीबुर रहमान को अरेस्ट करवा दिया. इन अदर वर्ड्स, नाउ याहिया खान वॉन्टेड टू कंट्रोल वेस्ट पाकिस्तान एज वेल एज ईस्ट पाकिस्तान,
completely disregarding the democratically elected process of East Pakistan. तो फिर क्या हुआ सर? बेटा फिर बहुत कुछ खतरनाक हुआ. याया खान ने यहीं पर अपना काम खत्म नहीं किया. उसने लॉन्च किया व्हाट इज कॉल्ड ऑपरेशन सर्च लाइट. ऑपरेशन सर्च लाइट 25 मार्च 1971 के एक भयानक दिन था. ओके, जिस दिन याया खान ने वो किया जो एक इंसान कर ही नहीं सकता. इन अदर वर्ड्स कि उसने मास जेनोसाइड का ऑर्डर दिया. जनरल टिक्का खान जो कि पाकिस्तान आर्मी का एक जनरल था जिसको बाद में बांग्लादेश का कसाई या फिर बुचर ऑफ बांग्लादेश बोला जाता है, उसको बोला गया कि खत्म कर दो कम से कम 30 लाख ईस्ट पाकिस्तानीज का मर्डर करो. ये ऑर्डर था याया खान का टिक्का खान की तरफ कि ऐसे करो कि सब कुछ बर्बाद कर दो. ओके, एंड दिस वॉज दिस ऑर्डर, हिज ऑर्डर. कैन यू बिलीव एक इंसान ऐसा ऑर्डर दे सकता है? उसने ऑर्डर दिया किल 3 मिलियन ऑफ देम एंड द रेस्ट विल ईट आउट ऑफ आवर हैंड्स. और ये एग्जैक्टली जो ऑपरेशन टिक्का खान ने किया था, दैट इज ऑपरेशन सर्च लाइट, उसका एक्चुअल डिविजन है. रात को 11:30 बजे पाकिस्तान सोल्जर्स ने अटैक किया. ओके, वहीं पर ही उसी टाइम पर जिनको बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान बोलते हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया. और फिर जो स्टार्ट हुआ उसके बारे में बयान नहीं किया जा सकता. बांग्लादेश में इनफैक्ट यूनाइटेड नेशंस को रिक्वेस्ट किया है कि मार्च 25 को वर्ल्ड जेनोसाइड डे को डिक्लेयर किया जाए. कम से कम बांग्लादेश के रिकॉर्ड्स के हिसाब से 30 लाख लोगों का मर्डर किया गया. 30 लाख. इनफैक्ट पाकिस्तान जो कि खुद ही परपेट्रेटर है वो भी मानता है कि कम से कम 10 लाख तो हमने मारे ही थे. कैन यू बिलीव 10 लाख पीपल स्लॉटर्ड इन बांग्लादेश? दिस वॉज द एंटायर कॉन्सेप्ट. जनरल टिक्का खान को बुचर ऑफ बंगाल वर्ड यूज किया गया, बांग्लादेश का कसाई वर्ड यूज किया गया. इसकी अभी अभी रिसेंटली डेथ हुई है. ओके, सो अच्छा ऐसा आदमी तो चले जाना चाहिए, बट दैट्स अ सीन ओवर हियर. ओके, सो दिस वॉज जनरल टिक्का खान. दिस इज वॉट वन part of the same country was doing to the other part of the same country. Imagine ye country apne aap ko country bolne ke layak, I am 100% sure ye nahi hai. Okay, this is the kind of order, this is the failed state. Aur ye main nahi bol raha hu, ye Los Angeles Times newspaper ka screenshot hai. Okay, so aisa nahi hai, main tumhe jo bhi bataunga this will be completely verified reports from neutral sources. Okay, so वहां से ये कहानी स्टार्ट हुई. उस बांग्लादेश में तो बड़ा बुरा हाल हो गया, बहुत बड़ा. तब बांग्लादेश था भी नहीं, वो ईस्ट पाकिस्तान था और इस तरह से स्लॉटर हुआ. ओके, इफ यू नोटिस बिल्कुल रैंडमली, इट वॉज नॉट एन आर्मी टू आर्मी कॉन्फ्लिक्ट, इट वॉज कंप्लीटली फॉर पीपल. गरीब लोगों की हत्याएं की गई, स्लॉटर कर दिया गया, एंड दिस इज वॉट हैपेंड. सो एज यू विल नोटिस गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश इंसिस्ट दैट द डेथ टोल ऑफ द वॉर वॉज क्लोज टू 3 मिलियन. दैट इज 3 मिलियन इज 30 लाख माई फ्रेंड्स. उस बेचारे गरीब से कंट्री के, गरीब सी जगह के लोगों के साथ और कोई चॉइस नहीं था बट उनको रेफ्यूजीज बनना पड़ा, उनको ईस्ट पाकिस्तान छोड़कर इंडिया की तरफ आना पड़ा. And they started settling in regions of Assam and Bengal. Millions and millions of these refugees started entering in India. This was early part of 1971. Madam Indira Gandhi, us time par hamari Prime Minister thi, unhone United Nations mein request ki, unhone Americans ko bola, unhone Britishers ko bola, European powers ko bola ki please interfere karo. Isse bada humanitarian crisis to देखा ही नहीं है हमने वर्ल्ड वॉर टू के बाद, कुछ तो करो. लेकिन द सिचुएशन ओवर हियर वॉज दैट नाइदर अमेरिका नॉर इंग्लैंड नॉर यूएनओ एनीबडी नेवर वांटेड टू इंटरफेयर, बिकॉज उस टाइम पर उनका जो सबसे ज्यादा मोहब्बत वाला देश था वो पाकिस्तान था. पाकिस्तान उनका पॉन बना हुआ था, उनका एजेंट था इन एशिया, एंड द ह्यूज जियोपॉलिटिकल डिसीजन में उन्होंने इन गरीबों को, इन बेचारे पीड़ित ईस्ट पाकिस्तानीज को देखा ही नहीं, एब्सोल्यूटली देखा ही नहीं.
Now, Madam Indira Gandhi had some decisions to take, लेकिन उन्होंने मेंटेन किया डिप्लोमैटिक साइलेंस. अब तुम नोटिस करोगे कि एक मच्योर लीडर कैसे एक्ट करती है एंड एक मच्योर डिप्लोमेसी समझने की कोशिश करो. तुम लोग कल इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर्स बनोगे, तुम्हें आना चाहिए डिप्लोमैटिक साइलेंस. चिल्लाने से कुछ नहीं होता, ट्विटर विटर पे भरने से कुछ नहीं होता, एक मच्योर कंट्री को डिप्लोमैटिक साइलेंस मेंटेन करना पड़ता है. So you are learning international relations, so you should understand international relations use कैसे होता है. So Madam Indira Gandhi ने, जबकि उनको मालूम था कि आज नहीं तो कल इंडिया को इंटरफेयर करना पड़ेगा, लेकिन Madam Indira Gandhi ने बहुत patiently और बहुत maturely act किया. Actually ये उनकी statement थी in March of 1971, उन्होंने ये statement बोली थी, in a serious moment like this, the less we as a government say, I think the better it is. उसी तरह से उन्होंने राज्यसभा में ऑर्डर दिया, a wrong step, a wrong word can have an effect entirely different from the one which we all intend. अब तुम्हें समझ में आ जाएगा कैसे मच्योर लीडर्स, तो अभी भी जब चाइना वाला कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, क्यों मिस्टर नरेंद्र मोदी बार बार आकर टेलीविजन पर अपनी स्टेटमेंट नहीं देते. ओके, विद दिस रिगार्ड्स, जो करना है वो आम तौर पे बैकग्राउंड में होता है. इस टाइम पर पब्लिक सेंटिमेंट्स को, इस टाइम पर रॉन्ग सिग्नल वर्ल्ड पावर्स को जाना बहुत फेटल होता है. सो एक मच्योर लीडर ऐसा कभी नहीं करेगा. इंस्टेड मैडम इंदिरा गांधी ने एक लॉन्ग ट्रिप किया पूरे वर्ल्ड का. वो रशिया गई, वो जर्मनी गई, वो फ्रांस गई, ब्रिटेन, बेल्जियम, यूएस, और उन्होंने एक ह्यूज डिप्लोमैटिक कंट्रोल या फिर डिप्लोमैटिक इन्फ्लुएंस बनाने की कोशिश की. शी ट्राई टू अर्न व्हाट इज कॉल्ड एज इंटरनेशनल सपोर्ट एंड इंटरनेशनल कंसेंसस. ये एक मच्योर लीडर की निशानी है. इस दौरान उन्होंने लूज स्टेटमेंट से दूर रखा. ये तुम्हें लर्न करना पड़ेगा. यू मस्ट लर्न फ्रॉम द पास्ट but you must live in the present and plan for the future. ये international relations, ये international diplomacy का मूल मंत्र है. अगर तुम्हें ये नहीं आता तो भाई तुम Twitter warrior हो सकते हो, Facebook warrior हो सकते हो, तुम में अभी maturity of leading a country नहीं है. तो सर इसमें past में क्या सीखना है? Past में हमने ये किया था कि हम तब तक non-aligned country थी. Yes sir, non-aligned तो थे, लेकिन हमको प्रेजेंट को भी एम्फेसाइज करना है. मैडम इंदिरा गांधी समझ गई क्या प्रेजेंट में प्रॉब्लम थी. इस टाइम पर यूएस, यूके एंड इनफैक्ट चाइना आल्सो तब तक पाकिस्तान के टिल्ट में आ चुके थे. बिल्कुल सही है. तो अब मुझे फ्यूचर के लिए प्लान करना है. सर फ्यूचर के लिए क्या प्लान करना है? फ्यूचर के प्लान करने के लिए मैडम इंदिरा गांधी ने वो किया जो किसी ने नहीं सोचा था. और माय फ्रेंड्स, मुझे नहीं मालूम है कि तुम्हारे कोई दोस्त है या नहीं है. ओके, क्या तुम्हारा कोई बेस्ट फ्रेंड है या नहीं है? लेकिन अगर तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है लाइफ में, तो मुझे दुआ है, मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ कि भगवान करे तुम्हें वैसा ही दोस्त मिले जैसे इंडिया को रशिया या यूएसएसआर मिला. अगर दोस्ती की कोई डेफिनेशन है इंडिया के लिए तो वो है यूएसएसआर, द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, या फिर उसका नाउ सक्सेसर स्टेट रशिया. अगर किसी कंट्री ने इंडिया के साथ दोस्ती सही मायनों में निभाई है ना माय फ्रेंड, सही मायनों में एंड एवरी ऑल वेदर फ्रेंड्स, तो वो यूएसएसआर था. मैडम इंदिरा गांधी को भी यूएसएसआर बहुत अच्छा लगता था एंड इनफैक्ट उनके फादर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू वॉज ऑल्सो वेरी वेरी फॉन्ड ऑफ यूएसएसआर. ये वो समय आ गया कि ये यूएसएसआर से हमारी दोस्ती अब फॉर्मलाइज हो एंड दैट इज एग्जैक्टली वॉट मैडम इंदिरा गांधी डिड. Imagine the smartness of this lady. This is how the prime minister should function. So August 21st, 1971 ko India, dekho, planning dekho, ye kab ho raha hai. March 25th, 1971 ko Operation Searchlight hua. Okay. Then Indira Gandhi madam goes to the world and goes for a trip. Lekin August 21st, 1971 ko हमारे फॉरेन मिनिस्टर सरदार स्वर्ण सिंह एंड मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स आंद्रे ग्रोमैको के बीच में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप साइन हुई. सर स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप क्या होती है बेटा? इंडो सोवियत ट्रीटी साइन हुई
डिस्पाइट द फैक्ट कि हम लोग नॉन अलाइंड थे, हमने उसमें एक मिलिट्री प्रोविजन डलवाया. क्या प्रोविजन सर? कि दैट इन द इवेंट ऑफ आइदर पार्टी इंडियन सोवियत यूनियन बीइंग सब्जेक्टेड टू एन अटैक और अ थ्रेट द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज शैल इमीडिएटली एंटर इनटू म्यूचुअल कंसल्टेशंस इन ऑर्डर टू रिमूव द थ्रेट and to take appropriate effective measures to ensure peace and security. Wow! Mere ghar pe hamla hoga, to Russia aega. Russia ke ghar pe hamla hoga, to hum jayenge. Wow! Isko bolte hain strategic partnership. India signed this in August 1971. Puri dunya dekhti reh gayi ki ek non-aligned country ne strategic partnership kar di. But ye Madam Indira Gandhi thi. उनका इरादा लॉन्ग टर्म था एंड दैट इज वाई सदास्वरण सिंह एंड आंद्रे ग्रोमेको के बीच में दिस ट्रीटी वॉज साइंड एंड वी बिकेम अ स्ट्रैटेजिक पार्टनर टू सोवियत यूनियन. सर एक बात ना पहले क्लियर कर दो, आप इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप पढ़ा रहे हो कि इंडिया सोवियत रिलेशनशिप बता रहे हो? आप नहीं भटक रहे हो इधर उधर? बेटा मेरी आदत है मैट्रिक्स बनाने की, मैं जब बोलता हूं तो उसको पकड़ लिया करो, वो कभी ना कभी काम आएगा. ओके तो अभी के लिए तुम्हें मुबारक हो, भगवान करे तुम्हें दोस्त मिले तो रशिया जैसा मिले. ऑलराइट, और इंडिया का तो मिल ही चुका है. एंड दिस वाज दैट ब्यूटीफुल डे व्हेन ब्रेजनेव हु वाज द प्रीमियर ऑफ यूएसएसआर लुक एट द कॉन्फिडेंस ऑफ मैडम इंदिरा गांधी व्हिच वाज हु वाज अ लीडर ऑफ अ डेवलपिंग कंट्री डीलिंग विद द सोवियत यूनियन. वेरी नाइस सर, यहां तक हमें बिल्कुल समझ में आ गया, पर अभी तक कुछ समझ में नहीं आया सर, क्योंकि अभी तक इंडिया पाकिस्तान का क्या हुआ? बेटा मैडम इंदिरा गांधी वॉज लुकिंग एट द फ्यूचर और वो फ्यूचर वॉज वेरी वेरी क्लोज. सो इंडिया प्रिपेयर्स फॉर द बिगेस्ट वॉर एवर. इंडियन हिस्ट्री में इतना बड़ा वॉर कभी नहीं हुआ. इट वॉज अ टू नेशन टू बॉर्डर टू ह्यूजली डिफरेंट बॉर्डर्स वॉर. यस सर, ये वाली बात तो सही है. एक साइड पर वेस्ट, एक साइड पर ईस्ट, प्रॉब्लम विद चाइना, चाइना इन द नॉर्थ, एंड देयर वाज अ ह्यूज ह्यूज प्रॉब्लम ऑफ यूएसए एंड यूके आल्सो ओवर देयर. तो फिर भी इंडिया गेट्स रेडी एंड प्लीज डोंट मेक अ मिस्टेक अबाउट इट. ये सिर्फ 6 साल हुए थे 1965 वॉर को और सिर्फ 9 साल हुए थे ऑफ 1962 वॉर को. And India gets ready for the largest ever military operation in the history of India. Very good, sir. कैसे करेंगे? इनमें जो great hero was General Sam Manekshaw. Yes, sir. General Sam Manekshaw को मैडम इंदिरा गांधी मिली एंड मैडम इंदिरा गांधी ने इनको अप्रैल में ही बोल दिया था कि सैम जनरल सैम मैनेकशॉ आर यू रेडी फॉर द वॉर. ये भी बेटा एक अपने आप में कॉन्फिडेंस की बात होती है कि सैम मैनेकशॉ ने दी ग्रेट मैडम इंदिरा गांधी को बोला नो वी आर नॉट रेडी, आप हमें बोलोगे तो वी विल अटैक बट वी आर नॉट रेडी बिकॉज ईस्ट पाकिस्तान यानी कि आज के बांग्लादेश में इस टाइम पर मानसून का सीजन होता है, हमारी मिलिट्री ऑपरेशन बहुत ज्यादा बुरी तरह से रुक जाएगी, गिव मी सम टाइम मैडम इंदिरा गांधी. और ये होता है कोऑर्डिनेशन बिटवीन आर्मी एंड द पॉलिटिकल लीडरशिप, जब दोनों साथ में हो जाते हैं तो एवरीथिंग कम्स ट्रू. मैडम इंदिरा गांधी ने बोला यू प्रिपेयर फॉर द वॉर, आई विल प्रिपेयर फॉर डिप्लोमैटिक प्रिपरेशन. इसी दौरान रशिया से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गई एंड सैम मैनेकशॉ एंड द रेस्ट ऑफ द मिलिट्री ब्रास स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द वॉर. दिस इज हाउ इट स्टार्टेड and this is what we did and the great hero is here. Yes my friends, inko military officers, air force officers is mahan ship ko mother bolte hain. This is INS Vikrant. Okay, this was our aircraft carrier and this huge aircraft carrier ko hum logo ne very close to the war khada kar diya Bangladesh ke post pe. बोला पाकिस्तान को अब बेटा अब तुम चले जाओ. दिस इज अ नेवल ब्लॉकेड. अब ना कुछ अंदर जाएगा ना कुछ बाहर आएगा. अंदर जाएगा तो सिर्फ हमारे वेपन्स, बाहर आएंगे तो तुम्हारी डेड बॉडीज, दैट्स इट. कुछ भी और नहीं जाएगा. वी विल क्रिएट अ नेवल ब्लॉकेड. पाकिस्तान वॉज सफोकेटेड कि यहां पर अब किसी भी तरह की मूवमेंट नहीं होगी
because of this great, great ship called as INS Vikrant. Please, this was the very, very crucial reason of India's success in Bangladesh. फिर हमने सर्जिकल प्रिसिजन किया, ऐसा वॉर कभी ना लड़ा जाएगा ना लड़ा गया है. पाकिस्तान को जितनी गलत फहमियां थी ना 1965 वॉर की, वो सब खत्म हो गई 1971 में. मतलब सर, दिसंबर 4, 1971 को, दैट इज वन डे आफ्टर द वॉर बिगैन, 3 दिसंबर 1971 को वॉर स्टार्ट हो गया था. दिसंबर 4, 1971 को पाकिस्तान ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस पूरी पिक्चर में इंडियन नेवी आ जाएगी. इंडियन नेवी कभी भी फर्स्ट या फिर लीड पोजीशन नहीं लेती थी किसी भी वॉर में. तुम सोच ही सकते हो, 1962 वॉर तो करीब करीब पूरा ही लैंड वॉर था, 65 में भी नेवी ने कुछ खास एक्ट नहीं किया था, लेकिन इंडियन नेवी ने वो मैजिक करके दिखाया जो पाकिस्तान आज भी याद रखता है. उस ऑपरेशन को ऑपरेशन ट्राइडेंट बोलते हैं. हाँ सर, ये कुछ कुछ तो हमें मालूम होना चाहिए. अगर तुम्हें नहीं मालूम है तो आज मालूम हो जाएगा. वाई? बिकॉज ऑपरेशन ट्राइडेंट में इंडियन नेवी की मिसाइल बोट्स ने कराची बेस पर अटैक कर दिया. कराची विच इज वेरी क्लोज टू, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग, बॉम्बे या गुजरात कोस्ट से बहुत क्लोज है, वहां पर अटैक कर दिया. कराची बर्न्ड फॉर 7 फुल डेज. 7 दिन कराची का पोर्ट जलता रहा. जितने भी रिजर्व फ्यूल थे ऑफ पाकिस्तान, वो सब खत्म हो गए. उनकी सबमरीन्स डैमेज हो गई. उनको सपने में भी नहीं था कि ऐसा कभी होगा. दिस ह्यूज डे ऑफ दिसंबर 4th इज कॉल्ड एज नाउ सेलिब्रेटेड एज नेवी डे. आई होप तुम्हें आइडिया है, नहीं है तो आज पता चल जाएगा तुम्हें कि नेवी डे दिसंबर 4th को क्यों मनाया जाता है. बिकॉज ऑफ ऑपरेशन ट्राइडेंट. ये ज्यादातर हिंदुस्तान को मालूम ही नहीं है. एंड इतनी बड़ी चोट मारी थी पाकिस्तान को कि पाकिस्तान नेवर रिकवर्ड आउट ऑफ दैट. लेकिन द अभी गेम दूर थी. अभी 4th ही दिसंबर हुआ है. पाकिस्तान ने एक और गेम रन किया. अरे सर, ये तो हमने मूवी देखी हुई है, शायद तुमने देखी होगी ये मूवी, गाजी की स्टोरी. दिस गाजी नाम की सबमरीन को पाकिस्तान ने रवाना कर दिया. वो अरेबियन सीज का रास्ता घूम के ऑल द वे बे ऑफ बंगाल गई. सर क्यों बे ऑफ बंगाल जा रही थी? इसका प्लान था आईएनएस विक्रांत को डुबो देना. ओहो, आईएनएस विक्रांत जिसने नेवल ब्लॉकेट किया हुआ था, उसके लिए ये गाजी भेजी गई थी. ओहो, गाजी भेजी थी तो गाजी वॉज अ वेरी डेंजरस स्टेप. इनफैक्ट हमारे बहुत टाइम तक सबमरीन ये हमें मिल ही नहीं रही थी. लेकिन फिर वो भूल गए. क्या भूल गए सर? पाकिस्तान भूल गया कि ये इंडियन नेवी है. यस, इंडियन नेवी में आईएनएस राजपूत एक डिस्ट्रॉयर था. उसने विशाखापट्टनम के इस करीब पॉइंट पर पीएनएस गाजी को डुबो दिया. ओ यस, द पाकिस्तान नेवी को कभी भी सपने में भी नहीं था दैट इट वाज पॉसिबल, लेकिन विशाखापट्टनम के पास ही इसको डुबो दिया गया. वेरी नाइस. तो कोई भी हमारे आईएनएस विक्रांत के आसपास नहीं पहुंच पाया. पाकिस्तान वॉज गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड लेफ्ट राइट एंड सेंटर. बट अभी तो कहानी बाकी है. ऑन बोथ द वेस्टर्न साइड एंड ईस्टर्न साइड आर्मी एंड एयरफोर्स वॉज ऑल्सो रीकिंग हैवक. उन्होंने भी पाकिस्तान की हालत बुरी कर दी थी. इन फैक्ट बांग्लादेश के या फिर जो ईस्ट पाकिस्तान के थे, वहां पर गुरिल्ला फोर्स को ट्रेन करने में हमारे रॉ ने हेल्प किया और उसको बनाया मुक्ति वाहिनी. यस सर, इनके बारे में शायद तुमने सुना होगा. मुक्ति वाहिनी वॉज ट्रेन्ड एंड सप्लाइड वेपन्स बाय इंडियन आर्मी. और इस मुक्ति वाहिनी ने बहुत मदद करी पाकिस्तान को यहां पर बहुत बुरी शिकस्त देने में. इंडियन आर्मी, लुक एट द एटीट्यूड, लुक एट द सोल्जर्स, दिस इज द वे एक इंडियन आर्मी ने लीड किया. कभी पाकिस्तान ने सपने में भी नहीं सोचा था इतना स्विफ्ट ऑपरेशन होगा. यस सर, इट वाज अ वेरी वेरी स्विफ्ट ऑपरेशन अंडर द लीडरशिप ऑफ जनरल जगजीत सिंह अरोरा, द जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ ईस्टर्न कमांड. कभी मौका मिलेगा तो ये बुक पढ़ लेना. यू विल ऑल्सो सी कि इंडियन एयरफोर्स ने 4,000 sorties पर डे उन्होंने अटैक किया. इनफैक्ट पहले 3 दिन में ही एयर सुपीरियोरिटी इंडिया को मिल चुकी थी एंड देन वी वर जस्ट डिस्ट्रॉइंग देम डे बाय डे.
ओह लेकिन एक कहानी तो बाकी है सर, क्या हिडन एनिमीज थे। अब तुम्हें समझ में आ जाएगा मैंने ये स्टोरी सोवियत यूनियन से क्या स्टार्ट की। जब पाकिस्तान बुरी तरह से हारने लगा तो हमारे हिडन एनिमीज जागे और उनमें से द ग्रेटेस्ट वॉज निक्सन, रिचर्ड निक्सन हु वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ यूएसए। ही डिसाइडेड टू हेल्प पाकिस्तान। उसको पहले से मैडम इंदिरा गांधी से बड़ी नफरत थी, ऑब्वियसली उसको सोवियत यूनियन यानी कि ब्रेजनेव से तो पक्का ही नफरत थी। सो ही डिसाइडेड टू डू वॉट वॉज अनबिलीवेबल। क्या बात कर रहे हो सर, क्या कर दिया? ही ऑर्डर्ड दैट विक्रांत के अगेंस्ट, बिकॉज विक्रांत INS विक्रांत की वजह से पाकिस्तान ये वॉर हार रहा है। नाउ दे डिसाइडेड टू सेंड देयर पैसिफिक फ्लीट और उसके खिलाफ अमेरिकन शिप के 7th पैसिफिक फ्लीट को ऑर्डर कर दिया गया कि स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स बांग्लादेश। नाउ दिस वॉज अ वेरी डेंजरस पार्ट। 7th पैसिफिक फ्लीट मजाक नहीं थी, उस टाइम की लार्जेस्ट एवर शिप USS एंटरप्राइज वॉज नाउ कमिंग टुवर्ड्स बांग्लादेश। अरे सर, अगर ये आ जाती और अगर ये अटैक कर देती तो इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर इंडिया टू विन। विन तो क्या, शायद इंडिया वुड हैव लॉस्ट दिस बैटल कंप्लीटली। लेकिन जब इंडियन नेवी को ये बात पता चली कि ऐसा हो रहा है तो क्या तुम उनसे लड़ लोगे, तो हमारे वाइस एडमिरल की स्टेटमेंट सुनो। उन्होंने बोला था जस्ट गिव अस द ऑर्डर्स। क्या बात कर रहे हो सर, ये इतनी बहादुर। यस सर, दिस इज कॉल्ड गट्स कि हम लड़ लेंगे, देखा जाएगा क्या होगा। लेकिन इस टाइम पर जो जरूरत महसूस हुई वो महसूस हुई हमारे दोस्त की, और हमारे दोस्त का नाम था द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। वी गेव देम अ कॉल, वी सेड डियर फ्रेंड वी आर इन नीड। सोवियत यूनियन सेड डोंट वरी वी विल कम, एंड दिस इज वॉट दे डिड। उन्होंने अपनी मेजर शिप सोवियत क्रूजर व्लादिवोस्तोक को ऑर्डर किया कि अमेरिका ने भेज दिया है USS एंटरप्राइज, तुम जाकर इंडिया को प्रोटेक्ट करो। एंड दिस वॉज रशियन वे ऑफ हेल्पिंग अस। रशिया डिस्पैच्ड अ न्यूक्लियर आर्म्ड फ्लोटिला ऑफ कॉल्ड एस व्लादिवोस्तोक अंडर द ओवरऑल कमांड ऑफ एडमिरल व्लादिमीर क्रोगलोकोव, एंड दिस इज वेरी फुल ऑफ सबमरीन्स। इनको ऑर्डर दिया गया था कि डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट मत करो, लेकिन अमेरिका को पता चल जाए कि हम वहां पहुंच गए। एंड दिस इज देयर एग्जैक्ट इंटरव्यू। इन एन इंटरव्यू गिवन बाय एडमिरल क्रोगलोकोव, ये उन्होंने बोला था कि चीफ कमांडर का ऑर्डर था दैट आवर सबमरीन्स शुड सरफेस व्हेन द अमेरिकन्स विल अपीयर। इट वॉज डन टू डेमोन्स्ट्रेट देम दैट वी हैड न्यूक्लियर सबमरीन्स इन द इंडियन ओशन, सो व्हेन आवर सबमरीन सरफेस दे रिकॉग्नाइज्ड अस। In this way, the American Navy stood the Soviet cruisers, destroyers, and atomic submarines equipped with anti-ship missiles. We encircled them and trained our missiles at the Enterprise. We blocked them and did not allow them to close into Karachi, Chittagong, or Dhaka. Wow! This is what Russians have said, and this is how Russia sank Nixon's gunboat diplomacy. अमेरिका की ये बड़ी पुरानी डिप्लोमेसी है, तुम उसको चाइना में भी ये देख रहे हो, जहां पर भी उनको अपनी पावर दिखानी होती है वो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स भेज देते हैं। और उन्होंने इंडिया को भी धमकाने की कोशिश की, बट वो भूल गए। क्या भूल गए सर, कि सोवियत यूनियन हमारे साथ था। यस सर, और ये उन लोगों ने नोटिस किया, ये उनके ही रेडियो कम्युनिकेशन थे। उन्होंने बोला था सर वी आर टू लेट, देयर आर रशियन एटॉमिक सबमरीन्स हियर एंड अ बिग कलेक्शन ऑफ बैटलशिप्स। सारी की सारी चीजें वहीं रुक गई, अमेरिकन्स वहीं रुक गए, ब्रिटिशर्स की शिप्स वहां से गायब हो गई रशियन शिप्स देखते ही, एंड इंडिया कंटिन्यूड ऑन इट्स बैटल। सर एक प्रॉब्लम और थी, चाइना। यस, चाइना की प्रॉब्लम तुमने सोचा ही नहीं। तुम लोग इमेजिन करो, अगर चाइना एक और फ्रंट खोल देता तो हमारे लिए मुश्किल हो जाती। लेकिन चाइना को भी नहीं मालूम था, क्या नहीं मालूम था, कि रशिया हमारे साथ है। चाइना को स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया था सोवियत यूनियन ने कि अगर तुमने जरा भी सेकंड फ्रंट खोलने की कोशिश करे तो हम सिनकियांग रीजन पर अटैक कर देंगे। ओ वाओ, सो चाइना आल्सो केप्ट क्वाइट। और इसका एक मेजर फायदा यह हुआ कि जो माउंटेन ब्रिगेड हमने बना के रखी हुई थी चाइना के लिए, ओके, रिजर्व में,
वो माउंटेन ब्रिगेड भी हमने बांग्लादेश में यूज कर ली। तो हमारे बांग्लादेश अटैक में एक बहुत मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन माउंटेन ब्रिगेड की थी। अगर ये चाइना का डर बना रहता तो बहुत मेजर फोर्सेस हमारी माउंटेन्स के लिए नॉर्थन फ्रंटियर पे रह जाती। तो इससे तुम्हें क्या सीखने को मिला? इससे ये सीखने के लिए मिला दैट पॉलिटिकल लीडरशिप, मिलिट्री एंड डिप्लोमेसी शुड गो हैंड इन हैंड। और तब ये दिन आता है। दिस इज जनरल जगजीत सिंह अरोरा हु वाज जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ ईस्टर्न कमांड, एंड दिस इज जो अपने आप को टाइगर नियाजी बोला करता था, दैट इज AAK नियाजी, द पाकिस्तान जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ। शक्ल और आंखों से पता चल गया कि कौन जीता है और कौन हारा है। टाइगर नियाजी ने बहुत कोशिश करी बहुत अकड़ में रहने के लिए, लेकिन द इंडियन आर्मी मेड श्योर दैट 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स सरेंडर टू इंडिया। ये वर्ल्ड वॉर टू के बाद पूरी दुनिया के इतिहास में, तारीख में इतना बड़ा सरेंडर किसी कंट्री ने किसी कंट्री के आगे नहीं किया है। इट वॉज द मोस्ट एम्बैरेसिंग एंड ह्यूमिलिएटिंग डिफीट ऑफ पाकिस्तान। दिस वॉज द एंड ऑफ टू नेशन थ्योरी। तो जिन्ना साहब, आपकी टू नेशन थ्योरी गायब, ओके, बिकॉज यू हैव अ न्यू बांग्लादेश। जनरल नियाजी, जो अपने आप को टाइगर नियाजी बोलता था, ही अपील्ड फॉर अ सीज फायर, एंड जनरल सैम मानेकशॉ ने डेडलाइन दे दिया कि 16th दिसंबर 1971 से पहले पहले सरेंडर कर देना। एंड दिस वॉज द बिग डे, जो शायद तुमने फोटोग्राफ में बहुत बार देखा होगा। दिस वॉज 16th दिसंबर 1971, जिसको हम लोग उस टाइम के लिए भी विजय दिवस ही को सेलिब्रेट करते हैं। दिस वॉज एग्जैक्टली 16:31 शाम का 4:30 बजे दैट टाइगर नियाजी ने यूनिलैटरली सरेंडर एग्रीमेंट को साइन किया। 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स सरेंडर्ड एंड वी लिबरेटेड बांग्लादेश। सो बांग्लादेश लिबरेशन हुआ, पाकिस्तान का टू नेशन थ्योरी खत्म, एंड विजय दिवस इज द डे दैट वी स्टिल रिमेंबर। सो दिस इज द ह्यूज पिक्चर जो पाकिस्तान को हमेशा याद दिलाता रहेगा कि इंडिया क्या है और पाकिस्तान क्या है। 1972 में जुल्फिकार अली भुट्टो, who was the then prime minister, president, he came and signed what is called as 1972 Shimla Agreement. Like a good responsible country, humne inke soldiers, jo prisoners of war the, unko wapas bhej diya. Is umeed mein ki durable peace, friendship and cooperation banega, humne Geneva Convention ko follow kiya, humne ensure kiya ki hum inke saath koi human rights violation nahi karenge. और ये देखो, इस तरह से इनके सोल्जर्स हमारे पास बंदी थे, प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, लेकिन हमने इनको बड़े शराफत से वापस भेज दिया, बोला जाओ हमने तुमको छोड़ा, इन द विश्वास दैट अब ये वॉर नहीं होगा, अब ये सिचुएशन खराब नहीं होगी। सो प्लीज रिमेंबर माय फ्रेंड्स, कुछ अनसंग हीरोज अमंगस्ट देम द ग्रेटेस्ट सैम बहादुर और फील्ड मार्शल लेट सैम मानेकशॉ, यही वो थे जिनकी लीडरशिप में इंडिया रिकॉर्डेड अमंगस्ट द ग्रेटेस्ट मोस्ट कन्विंसिंग मिलिट्री विक्ट्री, एंड ऑफ कोर्स द लीडरशिप ऑफ मैडम इंदिरा गांधी, जिनके विषय में अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने खुद बोला था कि वो दुर्गा हैं। यस, इट इज अ ह्यूज ह्यूज विक्ट्री एंड द एंड ऑफ द टू नेशन थ्योरी ऑफ पाकिस्तान। सो पाकिस्तान वॉज ह्यूमिलिएटेड डिप्लोमेटिकली, इट वॉज ह्यूमिलिएटेड मिलिटरली, और पूरी दुनिया में उनका यह हो गया कि उन्होंने कितना मेजर जेनोसाइड किया है। आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड 1971 वॉर। एवरीवन हैज अंडरस्टूड, गिव मी अ थम्स अप इफ एवरीवन इज क्लियर ऑन दिस। सो यू शुड बी वेरी वेरी प्राउड ऑफ दिस एम्फैटिक विक्ट्री। सारी वर्ल्ड पावर्स देखती रह गई एंड वी एंश्योर्ड दिस ह्यूज विक्ट्री। इट वॉज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी 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 थिंग्स that makes India a proud country. I hope everyone is clear. Okay. Great.
All right, my friends. तो I hope तुम सबके मुंह से जय हिंद भी निकल रहा होगा and I should be saying अगर आप अभी भी तुम्हारे मन से या मुंह से जय हिंद नहीं निकलता then I think you need a huge injection of patriotism. Okay, so you should be knowing. तो मैंने तुम्हें सारी details में बताया and तब अब जब तुम news देखोगे तो you'll understand this even more. आप कभी भी सुनोगे तो ये तुम लोगों को पता चलेगा what is exactly 1971 war. All right, sir. यहाँ तक हमको absolutely clear है. Now, the bigger one. The Kargil War of 1999. Sir, हमने तो बड़ी कोशिश की. हमने 1972 में हमने शिमला एग्रीमेंट साइन किया. Yes, sir. हमारा इरादा ये था that शिमला एग्रीमेंट जब साइन होगा तो उसके बाद एक ड्यूरेबल पीस का माहौल होगा. LOC हमने डिटरमाइन कर लिया था. आई होप तुम सब लोगों को वो LOC वाला पॉइंट याद है. ओके, सियाचिन वाला हमने जो फर्स्ट क्लास में किया था कि वी डिड नॉट डिमार्केटेड बियॉन्ड द प्लेस जहां पर हमारा वॉर हुआ. सो सर सिचुएशन क्या हुआ, पाकिस्तान पाकिस्तान ही रहा. इन अदर वर्ड्स, पाकिस्तान कभी नहीं भूला 1971 की उनकी डिफीट. इनफैक्ट उन्होंने ये प्लान बनाते ही चले गए कि किसी भी तरह से दे विल मिलिटराइज मोर एंड वन डे दे विल टेक द सो कॉल्ड रिवेंज ऑफ 1971. यस सर, पाकिस्तान कन्वेंशनल वॉर में इंडिया को कभी नहीं टॉप फेस कर सकता. ओके, वो उन्होंने 1947-48 में भी देख लिया है, उन्होंने 65 में भी देख लिया है, 71 में तो उन्होंने पक्का ही देख लिया. यस सर, तो अब क्या करेंगे, अब वो फिर से ये गलती तो कर नहीं सकते. वो आप पिछली बार तो हम वापस आ गए थे लाहौर से, अब इस बार मूड ना हुआ और ना गए लाहौर से वापस तो पता चले लाहौर भी अमृतसर में मिक्स कर लिया. यस सर, तो फिर इन लोग अभी ऐसा तो करेंगे नहीं. तो पाकिस्तान क्या करेगा सर, पाकिस्तान धोखा देगा. यस, लेकिन हम लोग पर विश्वास था कि पाकिस्तान ऐसा नहीं करेगा, ये हमारा अपना विश्वास था. बट दिस लेड अस टू कारगिल वॉर ऑफ 1999. यस सर, आज वो बड़ा दिन है 26 जुलाई ऑफ 1999 को जो कारगिल विजय दिवस हम लोग ऑब्जर्व करते हैं बिकॉज ऑफ दिस ह्यूज विक्ट्री. जब अमेरिकन्स को पता चला था, जब वेस्टर्न फोर्सेस को पता चला था कि कारगिल के जो हिली टॉप्स है उन पर पाकिस्तान ने इस तरह से ऑक्यूपाई कर लिया है और इंडियन आर्मी नीचे से इतना यू नो अबाउट 15-17,000 फीट नीचे से डिफेंड करने की या फिर उन जगहों को वापस लेने की कोशिश करेगी, तो उनके CIA और मिलिट्री इंटेलिजेंस ने बोला था इट इज़ एन इम्पॉसिबल वॉर, इट इज़ एन इम्पॉसिबल वॉर. वो फिर भूल जाते हैं वेस्टर्न पावर्स, क्या भूल जाते सर, कि ये इंडियन आर्मी है, ये लड़ना जानती है और ये अपनी जगह पर वापस अपने आप से छीनना जानती है. और वही हुआ. सो कारगिल विजय दिवस से पहले हमको कुछ बताना पड़ेगा दैट ऐसा नहीं था कि इंडिया ने मौका नहीं दिया. इनफैक्ट हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर लेट श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दिल्ली लाहौर बस रूट और लाहौर डिक्लेरेशन के लिए खुद कदम बनाया था. इमेजिन आवर प्राइम मिनिस्टर सिटिंग इन द बस एंड गोइंग ओके टू लाहौर इन दिस बस ओके टू एंश्योर कि हम पाकिस्तान की तरफ अपने दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे. यस, सो वी एंश्योर दैट पार्ट और लाहौर डिक्लेरेशन साइन किया गया और ये एक स्टेप लिया गया कि लेट अस फॉरगेट द पास्ट एंड स्टार्ट अ न्यू फ्यूचर. लेकिन फिर ये पाकिस्तान है, मतलब नवाज शरीफ तब का प्राइम मिनिस्टर था और जनरल परवेज मुशर्रफ उस टाइम के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे ऑफ पाकिस्तान और उनके जनरल्स जरूरत से ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थे. उन्होंने अपने आर्मी हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में एक प्लान बनाया कि ऐसे करते हैं कि कारगिल की आईसी पीक्स को कॉपी कर को ऑक्यूपाई कर लेते हैं धोखे से. धोखे से सर, धोखे से मतलब कैसे होता है, तो हमारे धोखा कैसे दे सकते हैं बेटा, धोखा दिया जा सकता है. ये कारगिल का मिस एडवेंचर था ओके, इसको हम बाद में नोटिस करेंगे लेकिन आपको पहले कारगिल समझना पड़ेगा. ओके सर, हम कारगिल समझने की कोशिश करते हैं. सो इफ यू नोटिस कारगिल ओके यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस हाईवे, दिस इज नेशनल हाईवे 1A. यस सर, ये NH1A जो हाईवे है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हाईवे है. इट गोज थ्रू मुश्को द्रास काक्सर कारगिल बटालिक सेक्टर के करीब से एंड इट इज अ मोस्ट कनेक्टिंग और मोस्ट इंपॉर्टेंट कनेक्टिंग रोड इन द जम्मू एंड कश्मीर रीजन जो ऑल द वे हमारी इंडियन आर्मी की सप्लाईज के लिए होता है. इनफैक्ट अगर तुम कश्मीर के हो या फिर अगर तुम्हें कश्मीर घूमने का कभी मौका मिला है
तो वहां पर एक इन अ फनी वे बोला जाता है कि ये 1A नहीं है, ओके ये IA है, इन अदर वर्ड्स ये इंडियन आर्मी है, ये इंडियन आर्मी की सबसे सबसे इंपॉर्टेंट रोड है। तो ये क्योंकि लिखा तो ऐसे ही जाता है तो वैसे ही लगा, ये नेशनल हाईवे 1A अगर गया तो इंडियन आर्मी यहां से बहुत मेजर रिसोर्सेज जो भी यहां से वहां तक लेकर जाते हैं वो सब सब का सब छीन लिया जाएगा। और इसी एरिया में, इसी मश्को सेक्टर, द्रास सेक्टर, काक्सा सेक्टर, कारगिल सेक्टर, बटालिक सेक्टर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जिनमें से फेमस थे टाइगर हिल, तोलोलिंग, काक्सर एरिया में भी उसी तरह से जुबार, खालूबर, चोबतला एंड ऑल दीस एरियाज, ये सब पासेस है, ये हिल्स है, फीचर्स है जहां से डोमिनेट किया जा सकता है NH1A में। सो इफ यू नोटिस दिस एंटायर पार्ट, इफ यू नोटिस ऑल दीस इंपॉर्टेंट फोर्सेस, तो अगर NH1A गया तो श्रीनगर यानी कि हमारा पूरा का पूरा एरिया विल कम अंडर द सो कॉल्ड डोमिनेशन ऑफ पाकिस्तान। यस सर, तो यहां पर सर हमारे कुछ ना कुछ बेसिस तो होंगे ना सर? बिल्कुल है माय फ्रेंड्स, यहां पर हमारे बेसिस है, हमारे बंकर्स है, हमारे संगर है, हमारे सब कुछ है। ये इस एरिया का एब्सोल्यूट टोपोग्राफिक मैप है, एक बार जरा हाइट देख लो, ये सब 14,000 टू 18,000 फीट पर है। ये 0.5287481 ये बटालिक सेक्टर है, ये 0.4821 मुंथो डालो और ये जा रही है LOC। ओके, डू यू अंडरस्टैंड द हाइट्स? यस सर, ये हाइट से अगर यहां से कोई भी रोड जा रही है कैन बी इजीली डोमिनेटेड। सर हमें ये बात सब समझ में आ गया है, लेकिन ये बात बताओ सर इस सरप्राइज क्या है बेटा? 14,000 और 18,000 फीट के रेंज के पॉइंट है, यहां पर इंसान नहीं रह सकता, स्पेशली ड्यूरिंग विंटर्स। यस सर, ये बात भी हम समझ में आती है, ये स्नो आइसी पीक्स है, इस तरह की बर्फ होती है वहां पर, इस तरह की आइस होती है, एंड दैट इज वाई हम दोनों कंट्रीज के बीच में एक अनरिटन अंडरस्टैंडिंग थी कि यार जब पीक ऑफ विंटर्स होंगे ना, जब बर्फ पड़ जाएगी तो दोनों के दोनों साइड के लोग, दोनों साइड के सोल्जर्स लोअर हाइट्स पे आ जाएंगे ताकि कम से कम ये अननेसेसरी तकलीफ ना हो। और फिर जैसे जैसे बर्फ हटने लग जाएगी, पिघलने लग जाएगी, हम लोग इन बेसिस को दोबारा ऑक्यूपाई कर लेंगे। यस सर, ये तो ठीक ठाक है। ओके, युद्ध तो तब होगा ना जब इंसान वहां पे करेंगे, अननेसेसरली क्यों एक दूसरे को तकलीफ देना, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हम भी भूल गए, क्या भूल गए कि ये पाकिस्तान है, जैसे पाकिस्तान हमें भूल जाता है हम भी इन पर बार बार भरोसा करते रहते हैं। और हम लोगों ने वही किया 1999 में, हमें पता चला कि पाकिस्तान ने इस अंडरस्टैंडिंग को तोड़ दिया, और जब हम नीचे उतर आए लोअर हाइट्स पर, इन्होंने वो बंकर्स और वो जगह जो बेसिस हमने छोड़े थे वहां पे ऑक्यूपाई कर लिया। क्या बात कर रहे हो सर? यस, एब्सोल्यूटली धोखा, बिकॉज इससे ज्यादा इनसे कुछ एक्सपेक्ट किया भी नहीं जा सकता, बिल्कुल सही बात है। सो दे स्टार्टेड कवरिंग ऑल द एरियाज। डू यू रियलाइज कि ये इतने बड़े एरिया में इन्होंने हमारे बंकर्स को ऑक्यूपाई कर लिया? दिस वॉज अ ह्यूज स्टैब इन द बैक, और हम लोगों ने इन पर भरोसा किया था कि ये अनरिटन अंडरस्टैंडिंग कंटिन्यू करेंगे, लेकिन लॉन्ग इन ह्यूज एरिया ऑल द वे फ्रॉम बटालिक, फ्रॉम कारगिल, काक्सर, मुश्को वैली एरिया, ये सारा का सारा एरिया के बंकर्स इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिए। जब बर्फ पिघलने लगी तो हमको पता चला, और हमको भी क्या पता चला, इन फैक्ट हमें बाय चांस वहां पर लोकल शेफर्ड से 3 मई 1999 को ये खबर आई कि यार वहां पे तो पाकिस्तानी सोल्जर्स तो नहीं लेकिन लोकल सिविलियन क्लोथ्स में दिखाई दिए। पाकिस्तान ने बोला ओहो ये सिविलियंस हम तोड़ना है, हमारी आर्मी ने थोड़ा ऑक्यूपाई किया है, ये तो वहां के लोकल मिलिटेंट्स है जिन्होंने इस एरिया को ऑक्यूपाई कर लिया। हमने बोला अच्छा, अब मिलिटेंट्स की इतनी हिम्मत होगी कि वो 18,000 फुट पे जाकर आर्टिलरी फायर करेंगे? पाकिस्तान बहुत टाइम तक डिनाई करता रहा, लेकिन फाइनली इनफैक्ट पाकिस्तान ने उसको डिनाई किया, लेकिन वो बोलता रहा ये कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स है, और इतना ये बेशरम कंट्री है दैट दे डिड नॉट रियलाइज दैट देयर ओन सोल्जर्स वर डाइंग इन दैट कॉन्फ्लिक्ट। इन्होंने अपने सोल्जर्स की बॉडीज भी वापस नहीं ली,
such a failed country, such a loser country, लेकिन उन्होंने फिर भी कुछ soldiers को छुपके छुपके उसके मामले में उसी कारगिल वॉर के मेडल्स देने स्टार्ट कर दिए। और अब तो नवाज शरीफ और परवेज मुशर्रफ ने एक दूसरे की सारी के सारी बातें बता दी है। इनफैक्ट नवाज शरीफ ने खुद बोल दिया है दैट दिस वॉज अ मिस एडवेंचर विच मुशर्रफ एंड हिज ओवर कॉन्फिडेंट जनरल्स ने लॉन्च किया था अपनी मर्जी से। और वो पाकिस्तान को 100% यकीन था कि ये अब बेस कभी ऊपर से हमसे वापस नहीं ले पाएंगे। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए माय फ्रेंड्स बिकॉज तुम्हें एक फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। क्या फॉर्मूला? अटैकिंग फोर्स और डिफेंसिव फोर्स का एक रेशियो माना जाता है। मतलब सर बेटा अटैकिंग फोर्स को डिफेंसिव फोर्स से निपटने के लिए सोल्जर्स की जरूरत होती है। अगर तुम्हें एक पर्सन एक बंकर को डिफेंड कर रहा है लैंड एरिया में उसको अबाउट 4 अटैकर्स एक आदमी को डिसलॉज कर सकते हैं। दिस इज अ जनरल थंब रूल। लेकिन माउंटेन एरिया में ये अनबिलीवेबल रेशियो है। अगर एक माउंटेन एरिया में एक सोल्जर माउंटेन एरिया के बंकर को डिफेंड कर रहा है तो उसको हराने के लिए उसको निपटने के लिए 12 सोल्जर्स का रेशियो मेंटेन करना पड़ता है। इन अदर वर्ड्स 1:12 का रेशियो मेंटेन करना पड़ता है। माय गॉड सर एक चीज और है जो मैं बताता हूं। क्या बता रहे हो सर? बता ये रहे कि ये 14,000 to 18,000 फीट के जो लेवल पर जो हमारा सिचुएशन है वहां पर एक बायोलॉजिकल मेथड यूज करना जरूरी होता है जिसको बोलते हैं एक्लिमेटाइजेशन। तुमने शायद बायोलॉजी में यह सुना होगा और अगर तुमने नहीं सुना है तो कभी पेप्सी की बोतल को अचानक खोल के देख लेना। अगर पेप्सी की बोतल होती है उसके अंदर हाई प्रेशर होता है और अगर उसको अचानक खोल दो तो वो बबल्स के फॉर्म में बाहर आ जाता है। यस, वैसे ही अगर लो एरिया से हाई एरिया पर जाओगे तो हाई प्रेशर एरिया से अचानक लो प्रेशर एरिया में आ जाओगे तो तुम्हारे बॉडी में जो नाइट्रोजन डिसॉल्व होता है ब्लड में वो अचानक बबल्स के फॉर्म में बाहर आ जाएगा। यस सर, और बबल्स के फॉर्म में बाहर आते ही वो तुम्हारे ब्लड वेसल्स को चोक कर देगा और तुम उसी टाइम मारे जाओगे। इसको अक्यूट माउंटेन सिकनेस बोलते हैं। यस सर, इसको अक्यूट माउंटेन सिकनेस बोलते हैं और ये तुमको 100% मार देगा। तो सर इसको कैसे करना पड़ता है? इसको वैसे ही करना पड़ता है माय फ्रेंड्स जैसे पेप्सी की बोतल को, अगर तुम पेप्सी नहीं चाहते कि बाहर निकल जाए तो तुम्हें पेप्सी की बोतल को धीरे धीरे खोलना पड़ता है। यस सर, वैसे ही तुम्हें अगर धीरे 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 करना है तो तुम्हें थोड़े थोड़े टाइम के लिए हाई ऑल्टीट्यूड रीजन पर आना पड़ेगा, थोड़ा सा और ऊपर जिसमें तुम एक्लिमेटाइज हो जाओगे। सर इसमें तो टाइम लगता होगा। बिल्कुल सही बात है, इसमें करीब करीब 2 से 3 महीना लगेगा। ओहो सर मुझे पूरी गेम समझ में आ गई। परवेज मुशर्रफ को लगा 2 से 3 महीना तो लगेगा ही इंडियन आर्मी के सोल्जर्स को एक्लिमेटाइज होने में। चाहे जितने मर्जी बहादुर हो तो तुम इंसान ना, तो तुम कैसे 18,000 फीट पर लड़ोगे? हमने मई में इसको पहचाना है, 2-3 महीने तक तो हम वहां पर पूरा का पूरा इस्लामाबाद बना देंगे। यस, तो परवेज मुशर्रफ साहब थोड़ा सा कम दिमाग यूज करते हैं। क्यों सर? क्यों दिमाग क्यों कम यूज किया बेटा? परवेज मुशर्रफ भूल गए कि इंडियन आर्मी सियाचिन को दिन प्रतिदिन कंट्रोल कर रही है। मतलब सर सियाचिन भी 18,000-20,000 फीट लेवल पे है और हमारी एक ब्रिगेड हमेशा सियाचिन में रेडी रहती है एट द सियाचिन बेस लेवल। ये इंडियन आर्मी की प्रिपरेशन फॉर द फ्यूचर है। जब एक ब्रिगेड सियाचिन टॉप पर लड़ रही होती है तो दो रिजर्व ब्रिगेड्स सियाचिन बेस कैंप पर होती है। इन अदर वर्ड्स हमारी 2 ब्रिगेड्स एक्लिमेटाइज हमेशा होती है। ओहो मुशर्रफ साहब तुमने तो पहचाना ही नहीं इंडियन आर्मी को। हम पहले से तैयार थे, हमारे सोल्जर्स पहले से एक्लिमेटाइज थे, तो जो इनको लगा 2-3 महीना लगेगा हम 2-3 हफ्ते में वहां पहुंच गए। एंड वी एंश्योर्ड दैट वी विल गिव पाकिस्तान अ ब्लडी नोज। 15 मई को हमारे एक आर्मी पेट्रोल हु वाज लेड बाय लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया वहां पर गए पेट्रोल पे
और उनको पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस ने प्रिजनर ऑफ वॉर बना दिया। एक हम है माय फ्रेंड्स, एक हमारी आर्मी है जिन्होंने उनके 93,000 सोल्जर्स को सकुशल शराफत से वापस भेज दिया, और एक वो पाकिस्तानी आर्मी है जिसने हमारे लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया को टॉर्चर किया और उनके और उनके साथ के फौजियों को वापस भेजा वेन डिकैपिटेटेड एंड वेरी वेरी टॉर्चरस कंडीशन। सौरभ कालिया की ये सैक्रिफाइस हमने भूलना नहीं चाहिए एंड पाकिस्तान इनको हमने मेड शो वी विल गिव देम अ रिप्लाई। सो 30,000 ट्रूप्स एंड मिलिट्री फोर्सेस पैरामिलिट्री फोर्सेस कारगिल रवाना हुई एंड दिस वॉज द एंटायर थिएटर ऑफ बैटल। सो अगर तुम नोटिस करोगे ये कोई छोटी मोटी जगह नहीं है, इट्स अ ह्यूज ह्यूज एरिया और बटालिक कक्सा टोलोलिंग टाइगर हिल द्रास सब सेक्टर मशको वैली ये एक ह्यूज एरिया था एंड स्पेशली फेमस हुआ वॉज कारगिल। दिस वॉज क्लोज टू श्रीनगर ले हाईवे और NH1A। आर वी ऑल अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? बेटा ये इम्पॉसिबल फीट हो नहीं सकता था जब तक इन बहादुर सपाहियों और सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स ने अपनी जान ना दी होती। मेरे पास वो जगह नहीं है, मेरे पास वो नाम नहीं है, मेरे पास उतना इमोशनल रिजर्व नहीं है कि मैं सबका नाम ले सकूं। मोर देन 600 सोल्जर्स मेन एंड ऑफिसर्स लेड डाउन देयर लाइव्स। इट वॉज प्रैक्टिकली एन इम्पॉसिबल बैटल। About more than 1500 men were injured, some of them, please give them a silent thanks. This is Grenadier Yogendra Singh Yadav, Rifleman Ajay Sanjay Kumar, jinko Paramveer Chakra mila, okay, for their huge victory. This was Captain Manoj Kumar Pandey. I hope tumne inke bare mein bahut baat suna hua hai, inko bhi Paramveer Chakra mila. This was Captain Anuj Nair, beta 22-23 saal ke young officers, हंसते हंसते इस देश के लिए लड़ गए और पाकिस्तान को पता चला क्या। एंड ऑफ कोर्स यू कैन नॉट फॉरगेट कैप्टन विक्रम बत्रा। कैप्टन विक्रम बत्रा का ये ह्यूज एग्जाम्पलरी था। 7 जुलाई 1999 को ये शहीद हुए। इनफैक्ट 0.4875 को जब जीता गया तो उसको आज बत्रा टॉप ही बोला जाता है। ये इनका कॉल साइन था, ये दिल मांगे मोर, ओके, एंड इनको शेर शाह बोला जाता था और ये शेरों की तरह लड़े एंड ये इंश्योर्ड that Pakistan had to vacate this. Huge sacrifice, my friends. Please kabhi mat bhulna. Jab tum IAS officers ban jaoge, tab bhi mat bhulna that these are the men jinki wajah se aaj hum chain se jee rahe. But there was another very important utilization and very important thing. Jaise INS Vikrant played a huge role in 1971 war, the huge role was played by Bofors guns. Yes, sir, these were the howitzers. Ye kafi चर्चा में रही हुई गन थी लेकिन इस हॉविट्जर्स ने बड़ा ही मेजर रोल प्ले किया बिकॉज हम लोगों ने आर्टिलरी फायर इतना जबरदस्त किया कि पाकिस्तान के बिल्कुल बंकर उड़ा देते थे। 3 rounds फायर हो सकते थे इन 12 seconds। वो इतना सुपर और इतना स्ट्रॉन्ग एम था दैट पाकिस्तान को विश्वास ही नहीं हुआ कि यार ये पूरा का पूरा आर्टिलरी शेल सीधा आके बंकर पे कैसे गिर जाता है। वो भूल गए कि बोफोर्स वॉज अ वेरी शार्प वेपन जिसकी 42 किलोमीटर रेंज थी और ये 70 डिग्री तक इसकी गन एंगल चेंज कर जाती थी। इनफैक्ट इसका मतलब है इसका छुपना नामुमकिन था एंड इट अंडरग्राउंड भी अगर कोई छुपा होता था तो बोफोर्स वॉज एबल टू डिस्ट्रॉय इट। सो इट वॉज अ वेरी डेंजरस वेपन और किसी को आइडिया ही नहीं था कि बोफोर्स यूज होगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि हॉविट्जर्स कभी भी इतनी हाइट पर इससे पहले वर्ल्ड में यूज ही नहीं हुआ था। माउंटेन वॉरफेयर में हॉविट्जर्स कभी भी नहीं यूज कर किया था लेकिन फिर इंडियन आर्मी है, ओके, हम कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जो पाकिस्तान को समझ में नहीं आता, फिर उनको सबक सीखने में 20-25 साल लगते हैं, वो फिर ट्राई करते हैं, फिर मार खाते हैं और ये उनके साथ होता ही रहता है, ये उनके लिए रेपिटेशन साइकिल हुआ है। सो बाय 13 जून इंडियन आर्मी ने टोलोलिंग को ऑक्यूपाई कर लिया था। आई होप तुम्हें बॉर्डर वो मैप से याद है। टोलोलिंग ऑक्यूपाई करते हुए हमारे पास एक मेजर प्रॉब्लम हट गई, दैट इज हमारे पास जो रोड थी दैट बिकेम प्रिटी मच फ्री। सो टोलोलिंग ऑक्यूपाई करना वॉज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जिससे हमारी रोड वॉज वेरी मच आउट ऑफ द रेंज ऑफ आर्टिलरी फायर ऑफ पाकिस्तानीज एंड उसके बाद तो कहानी मेजरली स्टार्ट हो गई। यस सर, और इसमें एक प्रॉब्लम और हो गई।
प्रॉब्लम ये थी कि कुछ बंकर्स हमारे बोफोर्स के रेंज से भी बाहर थे, और दूसरा हमें जो डर था वो था कि कहीं पाकिस्तान LOC क्रॉस ना कर जाए, कहीं एयरफोर्स और नेवी इन्वॉल्व ना हो जाए। बट देन हमारे पास तो सब लोग ही एक से बढ़कर एक है। सो एयरफोर्स लॉन्च व्हाट इज कॉल्ड एज ऑपरेशन सफेद सागर, एंड नेवी लॉन्च व्हाट इज कॉल्ड एज ऑपरेशन तलवार। हमने उनका कराची पोर्ट फिर से ब्लॉक कर दिया, बोला भाई याद है 1971 की, भूल गए हो कि फिर से याद दिलाना है। ओके, तो पाकिस्तान ने ऑब्वियसली सोचा कि रहने ही देते हैं, एंड द इंडियन एयरफोर्स, तो फिर इंडियन एयरफोर्स है, इस ऑपरेशन को सफ़ेद सागर बोलते हैं। इसमें हमारा एक दोस्त फिर काम आया, और वो दोस्त था इसराइल। यस, इसराइल ने हमको लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स दिए, ओके, और वो हमने मिराज 2000s में यूटिलाइज किया, एंड वी ब्लास्टेड देम ऑफ। सर सीधा LOC क्रॉस करके ले ही क्यों नहीं लेते इस्लामाबाद उस टाइम? बेटा कि हमारे अटल बिहारी वाजपेयी साहब की एब्सोल्यूट ट्रू इंटरनेशनल डिप्लोमेसी थी, ही वॉन्टेड द वॉर टू बी लिमिटेड, इसलिए उन्होंने हमारे इंडियन एयरफोर्स चीफ टिपनेस को बोला कि अंडर नो कंडीशन शुड वी क्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल। बेटा तुम्हें तुम्हारी कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आती है? डू यू अंडरस्टैंड द इंटेलिजेंस एंड द रिस्ट्रेंट ऑफ इंडिया एंड द पावर, कितना रिस्पॉन्सिबल पावर है कि हम चाहते तो इन माउंटेन्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए LOC बड़े आराम से क्रॉस कर लेते, और उनकी आर्टिलरी क्या उनका पूरा पूरा इस्लामाबाद ही उड़ा देते, लेकिन हम एक ही जगह से अटैक करते रहे विदाउट क्रॉसिंग द LOC। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ ह्यूज नेशन। ये होती है एक पावरफुल कंट्री, अनलाइक पाकिस्तान विच इज अ रोग कंट्री, राइट? एंड उसकी हमें कीमत भी चुकानी पड़ी। पाकिस्तान ने हमारे फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता का प्लेन क्रैश हुआ, उनको प्रिजनर ऑफ वॉर लिया गया, और फिर उनको शहीद कर दिया गया। सो हमने कीमत भी अदा की है इस रिस्ट्रेंट की ऑफ LOC नहीं क्रॉस करने की, बट पाकिस्तान बीइंग पाकिस्तान, दे नेवर टेक दिस पार्ट। दिस वाज ऑपरेशन सफेद सागर, ओके, व्हेन वी यूज लेजर गाइडेड बॉम्ब्स। एक बार अगर तुम्हें पिक्चर दिखाई देगी तो एनिमी कैंप्स बिफोर अटैक, ये मुंथोडालो की हाइट्स है, प्लीज अंडरस्टैंड ये 18,000 फुट से ऊपर है, और फिर जब हमारे प्लेन्स लेजर गाइडेड बॉम्ब्स ड्रॉप करते थे उसके बाद वहाँ कुछ भी नहीं रहता था। ओके, सो दिस इज द एंटायर सिनेरियो, यू कैन सी दिस इज टाइगर हिल बॉम्बिंग। ओके, बटालियन हेडक्वार्टर्स पूरा टाइगर हिल का एक साथ डिस्ट्रॉय करते थे, एंड प्लीज इमेजिन ये 18,000 फुट पे फ्लाइट करे, जहाँ पे विंड स्पीड एंड विंड डेंसिटी इस तरह से है कि वहाँ पर इतना पिन पॉइंट एम करना, इट सेज अ मिलियन थिंग्स अबाउट इंडियन एयरफोर्सेस एक्सपर्टीज। और पाकिस्तान ने सपने में भी नहीं सोचा होगा लेकिन ये हो सकता है, लेकिन हो गया, एंड दैट इज वाई आज का दिन है ऑन 26 जुलाई 1999, कारगिल कॉन्फ्लिक्ट ऑफिशियली केम टू एन एंड, एंड इंडियन आर्मी अनाउंस कि एक एक इंट्रूडर को, एक एक नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री ऑफ पाकिस्तान फोर्सेस को वहां से मार दिया गया या फिर भगा दिया गया। This is the bravery of Indian Army, Indian Navy and the Air Force and the diplomatic powers of Indian government, especially under the leadership of Atal Bihari Vajpayee. So, Pakistan ko laga tha ye kahani lambi jayegi, unko nahi malum tha humne 3 mahine mein ye kahani khatam kar di. Lekin freedom is never never cheap, freedom kabhi sasti nahi hoti, victory kabhi nahi cheap hoti. Hundreds and hundreds of young men, promising lives, have been lost in this battle. मैं चाहता हूँ सही मायनों में for one time say जय हिंद। सिर्फ एक दूसरे को कारगिल विजय दिवस मत बोलो, just feel for these brave men, ये 20-22 साल के हमारे soldiers और officers who have laid down their lives for us, this is a huge huge day. So I hope you understand, ऐसे नहीं कारगिल चला गया या कारगिल हमें वापस मिल गया, we ensured, we fought for them, fought for these things, और फिर हमें ये मिला है। So this is the big day, and that is why we salute our soldiers on Kargil Vijay Divas. I hope तुम्हें ये बात absolutely clear है, I have explained this to you in enough detail, तुम ये सारे points अगर तुम्हारे questions में डाल दोगे, तुम्हें पता चलेगा international relations को answer कैसे लिखते हैं, तो इतना detail में शायद ही तुम्हें पता होगा, लेकिन प्लीज इंश्योर दिस पार्ट। इफ यू वॉन्ट टू कैरी ऑन विद दिस, तुम्हें अनअकैडमी ज्वाइन करना है तो यू कैन यूज द कोड SIDLIFE, एंड माई न्यू कोर्स इज बीइंग लॉन्च, इंटरनेशनल रिलेशंस का न्यू कोर्स आई एम लॉन्चिंग, मेक श्योर दैट यू बिकम अ पार्ट ऑफ इट।
नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे पार्ट 3 ऑफ इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस एंड दैट वुड बी द एंड ऑफ इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस. आई होप एवरीवन इज क्लियर एंड एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस पार्ट. ऑल गुड. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग.